हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बजे 10 और हम जा रहे हैं अपने इष्ट देवता कुल देवता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं न्यूली ब्राइड ब्योली के साथ कुल देवता के दर्शन करने। हमारे कुल देवता निरंकार स्वामी महादेव शिव जी, उनके वरवधु को निरंकार स्वामी का इस देव का आशीर्वाद दिलाने जा रहे हैं। उनके छत्र छाया में बच्चे अपना आगे का जीवन शुरू करें, इसके लिए प्रभु के दर्शन और शादी का सब काम सकुशल संपन्न हुआ, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करने जा रहे हैं। ये हमारी न्यू ब्योली, और इस टाइम हो रही धूप बहुत तेज, तो साफ नहीं आ रहा है। यह पहाड़ की चढ़ाई, और वो बहुत जल्दी वो आगे आगे चला गया। देखो बहुत जल्दी वो प्रभु का मंदिर हो रहा। तो फ्रेंड्स, अब मंदिर आ गया सामने, निरंकार स्वामी का मंदिर और कतूर देवता का उनके बगल में ये गांव। और हम आए वो नीचे सड़क से, सड़क से आए ऊपर चढ़ाई पे चढ़ के। ये चारों तरफ कुरी के फूल लगे हुए, कुरी लगी हुई है जिसे सारा जंगल बर्बाद कर दिए पहाड़ों के। अब मंदिर आ गया, वीडियो को करती हूँ बंद। इधर को ये पार बाक है, मैं आती रहती हूँ, अंदर जाएंगे। जय हो। यहाँ पे रुद्राक्ष का इनके घर से उधर को देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। उनके जो ये सामने की, ये इनके घर से क्या उकार का राई, यहाँ से रास्ता संकरा कुल देवता के दर्शन। देखिए का पेड़, ये देखो कपास का पेड़ और कपास के फूल। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, रुई का। विकी इधर को, इधर ममता, इधर से ध्यान से गिरने का, वो आ जाएगी विकी, आ जाएगी वो। जय हो। चप्पल ये उतार देना। जय हो प्रभु। ममता पैर जूते में नीचे रख। यह है रुद्राक्ष का पेड़। खड़ी हो बेटा, सीधा खड़ी हो। गिर मजा इधर क्या। अब हमने कर लिया अपने कुल देवता के दर्शन, वर वधु को आशीर्वाद दिया प्रभु ने। अब हम जा रहे हैं नीचे, चलो पीछे का फोटो। चल ममता, चल आगे आगे आगे, चलो अब हमारा ब्लॉग जा रहा है एंडिंग की तरफ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रभु कृपा आप सब पे बनी रहे। स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय फ्रेंड्स।
ये गिरने का है, गिरने बड़ी तरफ खुला व्यू दूर दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है थोड़ा। वो देखो व्यू देख भाई, वो नदी देख, नदी। हाय एवरीवन, चंपानगर एयरपोर्ट से आगने आज हम लोग जा रहे हैं अपने, हमारे सारे काम निपट गए, सारे काम अच्छे से हो गए, तो हम लोग थोड़ा सा फ्री थे, तो हम थोड़ा घूमने को निकले पहाड़ों में, अपने गांव के आसपास का जो एरिया, अपने न्यूली ब्राइड को दिखाने ले जा रहे हैं अपने गांव के आसपास का इलाका, जो और छोटे छोटे गांव में वहाँ। तो इस टाइम हम पहले हमने सालदेह गए थे, और सालदेह से होते हुए हम आगे चंपानगर की तरफ जा रहे हैं, ये सारा। और अभी हम सालदेह की रेंज में, और आपको दिखाते हूँ ये हम जा रहे चंपा, पकड़ रखिए। जय माँ काली। ये मंदिर मंदिर कहाँ है मम्मी? ऊपर होगा ना, चलना पड़ता है पैदल। ये नीचे विनोवा नदी जा रही है, देख ऊपर जंगल है कितना ऊंचा है, उसके आसपास छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। ये देखो देखो कितनी ऊंची रेंज है भाई, वहां तो पक्का बर्फ होगी, ठंडा देघाट वाला है। लड़के यही आ रही होंगे पढ़ने, जो चावल खाने आई थी, ये आते थे हमारे गांव वाले पहले। मैं तो मेरे जमाने में केदार में हो गया था ना। ये देखो कोई पुराना बंजर मकान पड़ा है, कितना सुंदर इलाका ये पहाड़ मसाला, सालदेह का इलाका है, सालदेह चंपानगर तारा नगर वगैरह आ गए ना। अच्छा चंपानगर पहाड़ है, तभी तो लाए पापा हमें। देखो उत्तराखंड का खूबसूरत गांव नदी किनारे बसा हुआ, सालदेह नदी किनारे बसा हुआ है, विनोवा नदी कहाँ से होती है? होती है मैं मिलती है कहीं पर आगे गुलमर्गा पुल है वहाँ मिलती है। भिकेसन जैसे व्यू दे रहा है ना, भरा पूरा सा बाजार, ये भी कोई जगह का नाम होगा यहाँ पे। ये अब उधर को जगह भी अच्छी थी, ऊपर का हॉस्पिटल था ना भिकेसन में, भिकेसन में था, कहाँ था वो भिकेसन में, मजा आ गया। ये हमारे खेत थे सारे, ले एक इसके, इसको भी ले ले वीडियो में। ई भाई ये क्या नदी आ रही है क्या है? मैं सारा ले लेती हूँ। और देखो साथ में गांव भी आ रही है ना, गांव और ये नदी और ये प्लेन पहाड़ और ऊपर जंगल, और साथ में पक्षी भी उड़ते हुए दिख रहे हैं। वो तितली सी आ रही होगी ममता, देखो नीचे। हाँ बड़ा सुंदर सुंदर सा व्यू आ रहा है। तो फ्रेंड मैंने आपको अपना सारा गांव के आसपास का इलाका घुमा दिया, आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।